सो गाइस, अभी सुबह से मैं आंसर दे रही हूँ, मतलब कल से दे रही हूँ. मुझे बात करनी है राज कुंद्रा के मैटर पे. सो जिनको भी मेरे आंसर्स नहीं मिल पाए हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं बहुत सारे लोगों को अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ. सो मेरे सारे आंसर्स यहाँ से डाउनलोड कर लें. सो मैं आपको बताना चाहती हूँ राज कुंद्रा मैटर के बारे में कि क्या था, कैसा था, और बात करते हैं. देखिए, राज कुंद्रा जिस मैटर पे अरेस्ट हुए हैं, पॉर्नोग्राफिक पे, सेम मैटर पे मैं भी अरेस्ट हुई थी. हम लोग फरवरी में अरेस्ट हुए थे. और हुआ क्या था, पूरा मैटर मैं आपको बताती हूँ. आप लोग पूरी दुनिया में ये सुन रहे थे कि 4 तारीख को गहना वशिष्ठ ऑन सेट मिली, 4 तारीख को गहना ऑन सेट पे मिली, हर जगह चल रहा था. जबकि फैक्ट ये था कि 4 तारीख को मैं शूट पे थी ही नहीं. 4 तारीख को जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोगों को 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया. वो रेड हैंडेड कॉर्ट हुए थे. कौन थे वो लोग मुझे नहीं पता. उनको 5 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया, मुझे नहीं किया. अगर मैं 4 तारीख को शूट पे होती तो मैं भी 5 तारीख को कोर्ट में होती. मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया है ऑन 7th. मैं 7th को कोर्ट में थी. दूसरी चीज, मेरी चार्जशीट पे, जो कि 3 मंथ्स पहले आ गई है, मेरे अरेस्ट होने के 2 मंथ्स के बाद, मेरी चार्जशीट पे ये लिखा हुआ है कि मुझे इन्होंने 6 फरवरी को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाया, मेरी झड़ती ली और मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा, मेरे अंदर से 3 फोन गिरे, और उसके बाद इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया. अब मुझे बताइए, ऐसा होता है कि आपके अंदर से लैपटॉप और फोन गिरे? सच लॉजिकल, सच इन लॉजिकल. उसके बाद मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि हुआ था. 4 तारीख को मैं मेरे घर पर थी, मैं तैयार हो रही थी. मेरी एक फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था जिसकी रिलीजिंग थी 14th फरवरी को. मैं उसके लिए तैयार हो रही थी. ठीक है, मैं घर पे तैयार होके हेयर मेकअप ड्रेस कर बैठी हुई हूँ. मेरे घर पे अराउंड 14 क्राइम ब्रांच वाले घुस जाते हैं बिना वारंट के. ठीक है, घर के अंदर आते हैं, मुझसे पूछते हैं आपके पास जो भी लैपटॉप है फोन है दे दीजिए. मेरे पास 3 फोन थे, मैंने तीनों फोन उन्हें दे दिया. मेरे घर से लैपटॉप उठाते हैं, मुझसे पूछते हैं इसका पासवर्ड दे दो, मैंने पासवर्ड दे दिया. ठीक है, मेरे घर का सारा सामान फेंक दिया. मेरे घर से काफी सारी ज्वेलरी गायब है, लेकिन चूंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं भी उस पर कुछ कह नहीं सकती. बट मेरे घर से पूरा एक बैग गायब है ज्वेलरी का. ठीक है, रात को मेरे घर में 3 पुलिस वाले सो जाते हैं. मेरे घर में, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में 3 पुलिस वाले, 2 फीमेल, फातिमा और योगिता और एक शिव, ये तीनों मेरे घर में सो जाते हैं. एंड बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है मेरा, नॉर्मल फ्लैट है. 5 को सुबह सुबह मुझे क्राइम ब्रांच की ऑफिस लेके जाया जाता है. दिन भर वहां बैठा के रखते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं पूछा जाता. शाम को मुझे 41 इशू करते हैं और शाम को मुझे घर भेज देते हैं. ठीक है, मैं घर आ गई. 6th को मुझे फिर से बुलाया जाता है क्राइम ब्रांच की ऑफिस. 41 सेम इश्यू करते हैं. मैं दिन भर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में होती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ खाना खाने. अगर मैं गलत होती तो आई वुड हैव टेकन एंटिसिपेटरी बेल. मेरे पास 3 डेज थे, मैंने कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं ली. ठीक है, 6th को ऑल ऑफ सडन मेरे पास आते हैं, मुझसे साइन करवाते हैं पेपर, मुझसे कहते हैं आपके अगेंस्ट FIR साइन हो रहा है और कल आपको कोर्ट में खड़ा किया जाएगा. मुझे 6 की शाम को आजाद मैदान में, जो किला कोर्ट है, वहां ले जाया जाता है और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है. मुझे कोई रिमांड एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई जाती, मुझे कोई नहीं बताया जाता मेरे अगेंस्ट क्या सेक्शन डाला गया, कुछ नहीं बताया जाता. मुझे 7 को कोर्ट पे खड़ा कर देते हैं, मैं कोर्ट में रहती हूँ. फिर 15th को मुझसे जज पूछते हैं आपको कुछ बोलना है. अगर मैं गलत होती तो मैं ये क्यों कहती कि मेरी PC बढ़ा दो, जबकि आप सबको पता होगा JC के बाद ही बेल होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है. बट फिर भी मैंने अपनी PC बढ़ाई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बात करूं, मुझसे कोई पूछे. मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना मुझे जवाब देने का मौका मिला, ना कुछ. उसके बाद मुझे 2 दिन और रही मैं PC में, क्योंकि PC मैक्सिमम 14 डेज की होती है. उसके बाद मुझे बायकुला जेल में भेज दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में. 17th को मैं बायकुला जेल पहुंचती हूँ. 18th की सुबह सुबह मालवानी की पुलिस आती है, मुझे अरेस्ट करती है और मुझे ले जाया जाता है. अच्छा, तब तक मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, क्या केस है, क्यों नहीं, कुछ नहीं. मुझे कोई एलिगेशन बताई नहीं जाती. मैं जाती हूँ, मुझे पता चलता है मुझ पर गैंग रेप लगा है, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर थी तो मुझे केस कैसे पता चलेगा, ना मुझे TV मिल रही थी ना कुछ. मैं वहां जाती हूँ और मुझे गैंग रेप का केस मुझ पर लगा रखा. ठीक है,
मैं वहां पहुंचती हूँ, मुझे तब तक नहीं पता कि लड़की कौन है, क्योंकि जो विक्टिम होता है विक्टिम के नाम नहीं बताए जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन से लड़की ने केस किया क्या किया। फिर मैं 19th को कोर्ट में खड़ी की जाती हूँ, हॉलीडे कोर्ट में खड़ा करने के बाद भी मुझे नहीं बताया गया कि कौन से लड़की का केस है। मैं वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ, सर प्लीज़ मुझे उस लड़की से तो मिला दो, बता तो दो कि किस लड़की ने केस किया है। फिर अगले दिन वो लड़की आती है, शी हरसेल्फ हैज एक्सेप्टेड कि उसका कोई रेप नहीं हुआ है, क्योंकि ऑन सेट कभी रेप नहीं होता है। अगर किसी का रेप होगा, अगर होगा तो या तो दरवाजे बंद दरवाजों के पीछे होगा या कहीं होगा, ऑन सेट नहीं होता। तीन तीन कैमरे होते हैं, क्रू होता है, काफी लोग होते हैं। फिर लड़की को मैं कहती हूँ सर एक काम करो, उसको मेडिकल के लिए भेजो अगर उसका रेप हुआ है तो। मेडिकल के लिए जैसे उसकी बात होती है, वो लड़की सेकंड फ्लोर से नीचे भागती है, दो WPC उसको उठा के ऊपर लाते हैं, फिर वो भागती है, फिर उसको उठा के लाते हैं। अच्छा शूट कोई भी हो, मैं कभी भी किसी भी एक्टर से कभी नहीं मिलती, ना शूट के पहले ना शूट के बाद, मेरा किसी एक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, मैं कभी नहीं मिलती किसी भी एक्टर से। तो अब इस लड़की ने कास्टिंग वाले से मेरा नंबर ले लिया था, एंड शी हैज स्टार्टेड टेक्सटिंग मी कि मैम इट वॉज लवली वर्किंग विद यू, लव्ड वर्किंग विद यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत मजा है। अगर किसी लड़की का गैंग रेप होगा तो वैसे मैसेजेस करेगी। हमने पुलिस में वहां पे लड़की का पेमेंट ट्रांजेक्शन दिखाया, अगर किसी लड़की का रेप हुआ होगा तो क्या वो पेमेंट लेगी उसके लिए, कौन पैसे लेता है रेप करवाने का। अगर एक किसी लड़की का रेप होगा तो वो NOC वीडियो देगी, NOC वीडियो है, प्रमोशनल वीडियो है, सब कुछ, लेकिन ये सब कब दिखाए जाएंगे, जब केस खुलेगा। आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, आपको उठाते हो और जेल के अंदर डाल दिया जाता है, बस यही होता है आपके साथ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे उठाते हैं, 8 दिन मैं पुलिस कस्टडी में होती हूँ, जहां मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता और मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाता है। 2 मंथ्स के बाद मेरी क्राइम ब्रांच वाली चार्जशीट फॉल होती है, मेरे को बेल मिल जाती है, बट स्टिल मैं जेल में हूँ गैंग रेप के लिए। मैं गैंग रेप के मैटर से जब मेरी बेल हुई, मैं बाहर निकली, दो टर्म्स और कंडीशन के साथ उसमें है, मैं बाहर निकलती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या किसी की इंक्वायरी हुई थी, क्या किसी को क्वेश्चन, कुछ नहीं। चूंकि मैं लड़की हूँ, मुझ पे स्ट्रेट रेप नहीं डाला जा सकता, इसलिए मुझ पे गैंग रेप डाला गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे फंसाया जाए। ना मैं सेट पे पाई जाती हूँ, ना मेरे खिलाफ कुछ मिलता है, बट स्टिल मुझे फंसाया जाता है, क्योंकि मुझे फंसाना है उनको। अभी राज वाला जो मैटर हुआ है, राज और मैंने, हमने कुछ फिल्में की हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। प्रॉमिस नाम है फिल्म का, एक फिल्म का नाम है 1+1 और एक फिल्म का नाम मेड फॉर ईच अदर। दीज फिल्म्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कोई भी फिल्म पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती, हमने कोई पॉर्न नहीं बनाया और कभी नहीं बनाया, ना मैंने, ना राज ने, उमेश ने, ना रेयान ने। हाँ जो लोग सेट पे मिले थे, वी हैव नथिंग टू डू विद देम, वो कौन थे क्या थे हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस फंसा दिया गया। अब अगर एक फिल्म संजय लीला भंसाली बनाता है, एक फिल्म करण जौहर बनाता है, एक फिल्म अनुराग बसु, एक फिल्म अनुराग कश्यप, एक फिल्म फरहा, दैट डजंट मीन ना कि सारे लोग ही फिल्में एक जैसी बना रहे हैं, सबके अपने अपने काम है। अगर कोई और बना रहा है फिर भी हमें फंसाया जा रहा है, तो आप सोचो किस लेवल पे चीजों को खराब किया जा रहा होगा। हमें उठा के डाल दिया गया। फैक्ट ये है कि ना मैंने ना राज ने कोई पॉर्न फिल्म बनाई, नॉर्मल बोल्ड फिल्म से, सारी फिल्म इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग इंटरनेट पर चेक करिए, ठीक है, सारी चीज़ें चेक करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बन गई हैं, जो रिलीज हो गई, वो इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं, सब मिल जाती हैं, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया है, और थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने कभी कुछ भी सुना हो, वो एक अलग चीज है, सेट पे किसी का रेप नहीं होता है, होता है।